भाई अब गेंदबाजी के लिए आएंगे फॉरेन से योगेश, योगेश शर्मा गेंदबाजी के लिए तैयार होते हुए ओवर नंबर 9 की तैयारियां कर रहे हैं। विकेट कीपर कैप्टन हेमंत मोहिते, फील्ड को सेटअप करते हुए फाइनल लेग रखा गया है। थर्ड मैन है, थर्ड मैन पर वीरेंद्र चौधरी, इनको तैनात किया गया है। कवर्स पर एक खिलाड़ी मौजूद है, गली पर एक खिलाड़ी मौजूद है। बहुत अच्छी गेंद की, स्पिनर्स को नियंत्रण रखना होगा, स्पिनर्स को कंट्रोल करना होगा आने वाले इस खेल के सत्र में। ये फ्लाइट डिलीवरी बहुत अच्छी गेंद थी, पूरी तरह से बीट हुए थे या नहीं देखना होगा अंपायर के इस निर्णय पर। जी हां, बीट हुए थे, बैटर भी बीट हुए थे, विकेट कीपर भी। 1 रन 22 के रूप में जोड़ा जाता हुआ वेरी गुड बॉल की योगेश शर्मा, इनकी गेंदबाजी धारदार है, गेंद की ग्रिप अच्छी है, गेंद की पिचिंग, वो जब सीम पर गिरती है तब अच्छा घुमाव मिलता है। ओ बहुत अच्छी, देखिए योगेश कोटक इनको लगातार 2 गेंदे बीट करना, जो कि सबसे बेहतरीन बल्लेबाज नजर आए अब तक के इस खेल में। 31 रन बना चुके हैं, उनको 2 गेंदे बीट करना ये बहुत बड़ी काबिलियत, हुनर की बात है योगेश शर्मा इनके लिए। यस नाइस, बहुत अच्छी, लगातार 3 गेंदे डॉट हुई है आकाश। आखिरी गेंद रहेगी ओवर नंबर 9 की, 71 पर 2। एक अच्छा स्ट्रॉन्ग कमबैक करते हुए टीम चैलेंजेस के गेंदबाज। बहुत अच्छा शॉट और उतनी अच्छी फील्डिंग, 1 रन यहां कंप्लीट करते हुए और दूसरे के लिए दौड़ पड़े, लेकिन खतरा जरूर है। क्या वो खतरा है या नहीं, इसका जवाब हमें थोड़ी देर में मिलेगा। थर्ड अंपायर की तरफ रुक करते हुए, डिसीजन पेंडिंग, दिल की धड़कने तेज होती हुई चार्जेस एंड चैलेंजेस की, और अब डिसीजन आएगा आपकी स्क्रीन पर। क्या होगा ये डिसीजन, योगेश शर्मा इन्होंने अच्छा काम किया या नहीं, अंपायर ये निर्णय देंगे। आउट, देखिए टीम चैलेंजर्स का पसंदीदा रंग, और यहां पर आउट करार देते हुए एक अच्छे बल्लेबाज का यहां विकेट गंवाना टीम चार्जर्स के लिए ये थोड़ी सी खतरे भरी बात है शुरुआत होते हुए। योगेश शर्मा इनकी पहली गेंद पर स्लॉग स्वीप खेलने की कोशिश और बहुत ही अच्छी फील्डिंग, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े योगेश टू योगेश। ये इंडिविजुअल फाइट जारी है 2 रन के साथ, अब स्कोर बढ़ता हुआ है इसी समय 79। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छी शॉट, उतनी अच्छी फील्डिंग थी। देखिए फील्डर बहुत ही तेजी से उनके पास ये गेंद आई थी, एफर्ट के लिए हम दाद देंगे। और योगेश शर्मा इनकी एक अच्छी लाजवाब गेंदबाजी जारी है, बिल्कुल स्पॉट ऑन फील्डर को तैनात रखते हुए। योगेश देखिए अपने साथी फील्डर दीपेश, इन्होंने एक अच्छा कैच लिया इस मुकाबले में, उनका मनोबल बढ़ाते हुए। ये अच्छी क्रिकेट है, अच्छी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट दर्शाते हुए योगेश और टीम चैलेंजर्स सुरक्षित है, एक लाइफलाइन मिलती हुई। बहुत बड़ी सफलता और एक विकेट का झटका लगता हुआ। दैट्स अ लीगल डिलीवरी, ये तो सही गेंद है बिल्कुल। योगेश शर्मा आज सेलिब्रेशन अच्छा है, गेंदबाजी अच्छी है और चैलेंजर्स एक अच्छी वापसी करते हुए।
बहुत अच्छी गेंद। देखिए योगेश शर्मा, इन्होंने अपने पहले ओवर से जो एक अपनी अच्छी गेंदबाजी के साथ बल्लेबाजों को परेशानियों में डाला है, ये उनके लिए बहुत अच्छी बात रही है। डॉट गेम समय का अच्छा ड्राइव कर लिया है विपुल गाला, इनका एक बहुत ही बेहतरीन शॉट इसी दरमियान अपना नीचे काता खुलते हुए सिंगल के साथ 81 for 4, 81 for 4 आखिरी गेंद ओवर नंबर 11 की। वीरेंद्र चौधरी, इन्होंने अपने तीन ओवर के खेल में 18 रन देकर एक विकेट अपने नाम पर कर लिया है। सातवें ओवर के बाद से टीम चैलेंजर्स ने इस मैच में एक अच्छा एक रुतबा हासिल करने की कोशिश की है अगेंस्ट चार्जर्स। बहुत अच्छा शॉट और इस समय उतना ही बेहतरीन कैच, व्हाट अ कैच टेकन बाय हेमल दवे, बहुत ही लाजवाब गेंदबाजी और उतनी बेहतर तरीके से ये कैच को लेते हुए। अब ये पांचवां झटका लग चुका है, 5 विकेट गिरता हुआ और ये लीगल डिलीवरी है योगेश शर्मा, इनकी धारदार गेंदबाजी पर आउट हो गए योगेश कोटक आउट होते हुए 36 रन बनाकर दोस्तों जोरदार तालियों के बीच डगआउट में उनका स्वागत करते हुए 3 बड़े सिक्सेस, 109 रनों का स्ट्राइक रेट के योगेश शर्मा अपने तीसरे ओवर को लेकर आते हुए कमेंटेटर्स इनसे गेंदबाजी जारी है। तो वाइट के साथ इस बार शुरुआत करते हुए, हालांकि आमतौर पर दोनों ओवर की शुरुआत बहुत ही लाजवाब की है, 3.5 की उनकी इकोनॉमी है, 7 रन देकर 2 विकेट अपने नाम पर कर लिए हैं। बहुत बहुत अच्छी बोलिंग, बहुत अच्छी फील्ड पोजीशन सेटअप करते हुए विकेट कीपर कैप्टन एवंत मोहिते, योगेश शर्मा 5 से 6 कदमों का रनअप, ऊंचे कद के खिलाड़ी लेफ्ट आर्म स्पिन गेंदबाजी करते हैं, फ्लाइट कराते हैं, गेंद को अक्रॉस कराते हैं। ऐसे समय पर आप एज अ बैटर थोड़ा सा एक मिसकंसेप्शन था, गेंद गिरकर अंदर की तरफ तो नहीं आए, इसी दुविधा में आप लेट खेलते हैं, वहां पर फंसते हैं बहुत सारे बैटर्स। 84 for 5, 84 for 5। देखिए दीपेश का डायरेक्ट हिट, देखना होगा क्या होगा ये निर्णय, एंड दैट्स आउट, आउट, बड़ी बड़ी विकेट, क्योंकि विपुल गाला ये बहुत ही खतरनाक खिलाड़ी है, इनका विकेट मिलना टीम चैलेंजर्स के लिए सेलिब्रेशंस का मौका, दीपेश ने कमाल धमाल कर दिया। और सबसे तेज सरार फील्डर है दीपेश, इनका बुल जाए बहुत ही करेक्ट निशाना साधा, 6th विकेट गिरा है। ऐसा अपील हो रही है लेकिन इस बार वाइड एक एक्स्ट्रा रन जोड़ा जाएगा। ये बहुत ही अच्छे तरीके से इस गेंद को स्वीप किया है लेकिन उतनी बेहतरीन फील्डिंग। इट्स अ वेरी गुड बॉल, जोरदार अपील सारे फील्डर्स द्वारा लेकिन विकेट कीपर बॉलर बिल्कुल भी कि पहली गेंद पर बहुत ही करारा शॉट लेकिन उतनी बेहतरीन फील्डिंग। बहुत बढ़िया, देखिए बल्ले का भारी सिरा लगा है, 1 रन जरूर प्राप्त होगा जब तक वीरेंद्र चौधरी गेंद को लौटाएंगे, 1 रन आसानी से पूरा करते हुए। बहुत अच्छा शॉट ऑफर किया है इस बार फिर से आलोक समानी, इनकी अच्छी एफर्ट और उतना ही बेहतरीन थ्रो।
ये फुल टॉस गेंद थी, यहाँ जरूर दो रन आसानी से आ सकते हैं, लेकिन ना कह दिया, जो कि बिल्कुल सही निर्णय है। मिहिर वोरा एंड परविंदर बामरा क्विक रन, और ये थोड़ा सा गलत थ्रो, बैकअप है। वाइड का फायदा मिलता हुआ यहां चार्जर्स एक अच्छी वापसी करते हुए, योगेश शर्मा इनकी आखिरी गेंद है, लेकिन इसी दरमियान एक वाइड गेंद करते हुए एक्स्ट्रा रन देते हुए 93 पर बढ़ चुका है स्कोर। बहुत अच्छी गेंद लेकिन ना कह दिया, बिल्कुल सही, बहुत अच्छी सोच परमिंदर एंड मिहिर की। इसी के साथ 15 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ बहुत सही, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस गेंद को कलायो के सारे मोड़ दिया है, दो रन यहां से प्राप्त कर लेंगे। ओ देखिए बच गए, एक रन यहां प्राप्त होता हुआ। जोरदार अपील हुई है, अब 5 में 7 की जरूरत। ओ देखिए ये बहुत ही धीमी गति की गेंद थी, योगेश शर्मा चाहते थे इस गेंद को बड़े शॉट में तब्दील करें। एक और गेंद डॉट, लगातार 3 गेंदे डॉट किए योगेश कोटक इन्होंने, अब 3 में 7 की जरूरत। बड़ा शॉट नहीं, एक रन आ चुका है। ये आज का तो मैच मतलब इट वाज अनबिलीवेबल, एट वन स्टेज वी थॉट इट्स ऑल द वे चार्जर्स, बट द वे रवि प्लेड and he got us back into the game. Well played, Ravi. No words to describe their innings. And our Yogesh Sharma also, his bowling was unbelievable today. Batting also, he supported Ravi well. Yes, sir. अब हम देने जा रहे हैं प्लेयर ऑफ द मैच की ये अवार्ड, और मैं इसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कुलदीप पाजी आपसे रिक्वेस्ट है, एंड ऑल्सो गोपाल जाजू, श्री गोपाल जाजू इनसे रिक्वेस्ट है, ये प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड हम दे रहे हैं। दोस्तों ट्रिकी है, लेकिन जिन्होंने बॉल के साथ और बैटिंग में आखिरी क्षणों तक अच्छी परफॉर्मेंस की, योगेश शर्मा इज आर प्लेयर ऑफ द मैच, 2 wickets 15 runs एंड वो लास्ट ओवर में इंपॉर्टेंट रन्स बनाए। योगेश शर्मा इज आर प्लेयर ऑफ द मैच, वेल डन, जोरदार तालियां, क्या बात है। स्पिन के जादूगर हैं और इन्होंने आज क्या बेहतरीन गेंदबाजी की है। कुलदीप पाजी एंड श्री गोपाल जाजू इनकी और से ये प्लेयर ऑफ द मैच की अवार्ड हम प्रेजेंट कर रहे हैं। आजिए सारे लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज आइए। इट्स एन मोस्ट इंपॉर्टेंट उत्सव, फाउंडेशन की तरफ से हर 4 and 6 के लिए हम बुक्स डोनेट कर रहे हैं। आज 18 4 and 3 6 लगे थे, और जी हाँ हम बात करेंगे, योगी सर क्या बात है, आज बॉलिंग बैटिंग सब में कमाल कर दिया, कैसा लग रहा है आपकी टीम जीती और ग्रैंड फाइनल्स में पहुंच चुकी है। मेरे लिए तो ये सपना है, बस मैं मेरे कप्तान को मैं बहुत बहुत उसको धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने हम पे विश्वास किया। और एक्चुअली ये आज की मैच का मुझे फर्स्ट टाइम मिल रहा है इस टूर्नामेंट में, लेकिन मैं रवि भाई से दरख्वास्त करूंगा प्लीज आइए, इसमें आपका हक है ये, प्लीज प्लीज रवि भाई, क्योंकि रवि भाई थे जो लास्ट ओवर में मेरी 3 बॉल की गलती को उन्होंने कवर अप किया। तो और मैं हमारे जो चार्जर्स टीम है उनके साथ मेरी खेलने की बहुत इच्छा थी, लास्ट मैच में मैं खेल नहीं सका और इस मैच में मुझे उनके साथ खेल के बहुत रियल में अच्छा लगा। दे डिजर्व टू बी अ फाइनल, फाइनल में खेलने लायक वो प्लेयर टीम है, बहुत अच्छा लगा सर आपके साथ खेल के, थैंक यू वेरी मच सर।
थैंक यू सो मच। देखिए मिस्टर उदय जैन इनकी तरफ से हर विकेट के लिए बुक्स हम डोनेट करे, 19 विकेट्स आज गिरे, सो थैंक यू सो मच। इसी बात को लेकर हम यहाँ से इजाजत लेना चाहेंगे। टुगेदर स्ट्रॉन्गर जीएससी के लिए जोरदार तालियां, एंड ऑल्सो टीम चैलेंजर्स एंड चार्जर्स के लिए जोरदार तालियां। एंड कल सेकेंड सेमीफाइनल मैच खेला जाएगा वॉरियर्स वर्सेस ब्लास्टर्स ठीक 6:30 बजे, तब तक हमारे साथ बने रहिए। यस जरूर हम रवि नारायण साहू इनसे जरूर बात करेंगे। रवि सर क्या कहना चाहेंगे यार वो नर्वस सिचुएशन पर आपकी इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस? एक्चुअली सबसे पहले तो मैं टीम चार्जर्स को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा कि 113 रन के स्कोर को जिस तरह से उन्होंने डिफेंड किया है। आई थिंक लास्ट टाइम राजेश ने एकदम सही बोला था कि हम लोग को सिर्फ 130-135 का स्कोर चाहिए एंड वी विल डिफेंड इट, एंड टुडे दे प्रूव्ड इट। सेकेंडली ये मैच अगर हमने किसी वजह से भी जीता है तो इट इज डेडिकेटेड टू ऑल दी बोलर्स ऑफ अवर टीम, बिकॉज एट 7 ओवर 63 वी वर लुकिंग एट अ टारगेट ऑफ अराउंड 170-180 एंड दे हैड लॉस्ट ओनली वन विकेट। सो आई थिंक हैट्स ऑफ टू योगेश वीरूभाई एंड हेमल, दीज थ्री पीपल हैव बॉट अस बैक इन टू द गेम एंड दैट्स इट। कोइंसिडेंटली आई एम ऑल्सो शेयरिंग दिस अवार्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, थैंक्स टू योगेश भाई, बट थैंक यू एवरी वन, थैंक यू टीम, लवली एंड अवर सपोर्टर्स, द सपोर्टर्स दैट वी हैव, थैंक यू एवरी वन, थैंक यू।